नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5:25 बड़ी खबरों का। भारतीय नौसेना को मिला 2 MH-60R हेलीकॉप्टर, मजबूत होने की राह पर भारत अमेरिका रक्षा संबंध। बढ़ने जा रही है भारतीय वायुसेना की ताकत, मिलेंगे एडवांस पैराशूट, युद्ध स्तर पर पहुंचाएंगे हथियार। अफगानिस्तान तालिबान पर भारत ने खोले पत्ते, पेश किया समाधान का रोडमैप, दूसरे देशों पर बना दबाव। दुनिया पर गहराया कोरोना की तीसरी लहर का साया, भारत के लिए 3-4 महीने अहम। नवंबर तक पूरा हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हरदीप सिंह पुरी बोले अब तक की प्रगति संतोषजनक। यूपी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका वाड्रा, कहा नष्ट किया जा रहा है संविधान, लोकतंत्र का हो रहा है चीरहरण। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले भाजपा राज में खूब फूल रही है झूठ की अमर बेल। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय, अंत्योदय सिद्धांत पर चलेगा मिशन 2022। निर्वाचन आयोग ने शुरू की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे युवाओं व महिलाओं के नाम। आश्वासन के बाद देर रात वापस लौटे गन्ना किसान, 2 दिन से चला विरोध प्रदर्शन हुआ खत्म। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने पाकिस्तान पर लगाया तालिबानी आतंकियों का साथ देने का आरोप। सीमानंद अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी, सीनेट में 56 वोटों से हुई नियुक्त। तालिबान अफगान सेना के बीच झड़प में गई भारतीय फोटो पत्रकार दानिश की जान, पुलित्जर अवार्ड से थे सम्मान। अफगान सीमा के करीब आतंकियों के चंगुल से टेलीकॉम वर्करों को पाकिस्तानी सेना ने कराया आजाद। अमेरिका में 2 बिल्डिंग्स के बीच 8 इंच पतली जगह में फंसी महिला बाहर निकली तो हैरत में पड़ गए। शिवम दुबे ने गर्लफ्रेंड अंजुम खान से रचाई शादी, मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो करते हुए शादी की तस्वीरें की साझा। साउथ अफ्रीका ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 70 रनों से हराया, आयरलैंड के सिमी सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया शतक। हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा इटारसी का विवेक सागर, एमपीसी हॉकी में एकमात्र खिलाड़ी होंगे विवेक, 24 जुलाई को होगा भारत का पहला मैच। कोरोना टेस्ट के बाद युगांडा का 20 साल का एथलीट लापता, ओसाका में कर रहा था प्रैक्टिस, स्थानीय प्रशासन उसकी तलाश में जुटे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप की घोषणा की, भारत की ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी मौजूद, श्रीलंका और बांग्लादेश खेलेंगे क्वालिफायर राउंड। भूषण कुमार के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लगाया काम दिलाने के बहाने यौन शोषण का आरोप। उन्नीस साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही है मंदाग्नी, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से बनी थी पहचान। नेहा कक्कड़ भाई टोनी कक्कड़ के साथ म्यूजिक मंच डिस्कवरी पर छेड़ेंगे सुर, एक वर्चुअल कॉन्सर्ट का ऐलान। शादी के बंधन में बंधे राहुल वैद्य दिशा परमार, बारात में जमकर नाचे राहुल, घुटनों पर बैठकर दिशा को पहनाई अंगूठी।
जिमी शेरगिल की वेब सीरीज चूना की शूटिंग रुकी, 5 कलाकार कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल इतना ही, देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।